हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश अलगुंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन किस तरह निकालते हैं ये देखने वाले हैं। कभी कभी इस टाइप पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 मार्क के लिए, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन किस तरह निकालते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इफ़ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सपोज़ ये फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक दूसरा फंक्शन है एंड जेड इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ओके, तो ये दोनों फंक्शन एक्स वेरिएबल में यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों भी एक्स वेरिएबल में के फंक्शन है। तब उस वक्त देन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वाई विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन जेड, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वाई विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन जेड यानी कि डी वाई बाई डी जेड इक्वल टू फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और जेड फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तब उस समय वाई का डेरिवेटिव यानी वाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन जेड इज डी वाई बाई डी जेड इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। दिस गिव्स द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। तो ये होता है फार्मूला। अब इस फार्मूला पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, तो ये है क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इस आर्टिकल पे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द टैन इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि ये है दूसरा फंक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे इसे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर में लिखेंगे इस फर्स्ट फंक्शन को हम वाई कंसिडर करेंगे और इस दूसरे फंक्शन को हम जेड कंसिडर करेंगे और इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड जेड इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स। तो जैसा हमने पैरामेट्रिक फंक्शन में किया था उसी के जैसे ही प्रोसेस है ये। तो इसके आंसर के लिए हम यहाँ पे पार्टीशन की मेथड यानी कि हम एक के आगे एक इस तरह से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे हम वाई का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये कंपोजिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट में वन का डेरिवेटिव ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर का टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में है ये फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव वन बाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इस तरह से होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ज़ीरो प्लस टू एक्स हो जाएगा टू एक्स और टू एक्स इंटू वन हो जाएगा टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बाद हम इस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब हमें मिलेगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा। नाउ डी वाई बाई डी जेड, देखिए डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा था डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके बाद हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे किस तरह सिंप्लीफाई होगा, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा टू एक्स डिवाइडेड बाय वन और टू एक्स बाय वन की वैल्यू आएगी टू एक्स। तो इस तरह से इस वाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन जेड ये हो जाएगा
2x। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स ऑफ x। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स x ये निकालना है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन ऑफ 2x। इस फर्स्ट फंक्शन को हम कंसिडर करेंगे y, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन 2x। एंड इस सेकंड फंक्शन को हम कंसिडर करेंगे z, एंड z इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x। अब इन दोनों के डेरिवेटिव हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम y का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे साइन 2x एक कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि ये साइन ऑफ f ऑफ x इस फॉर्म में है। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा, देखिए y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। ओके, तो 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे होगा 2, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलेगा हमें 2 इंटू कॉस ऑफ 2x, ये हो जाएगा dy बाय dx। अब इसके बाद हम z का भी डेरिवेटिव निकाल लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे z का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलेगा dz बाय dx इक्वल टू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे नाउ dy वाई बाई डी जेड इक्वल टू, देखिए यहाँ पे dy वाई बाई डी जेड का फार्मूला क्या है, dy वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। तो इस फार्मूला में हम दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू है 2 कॉस ऑफ 2x और डिनोमिनेटर की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल होगा और इस डिवीजन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा ये 2 इंटू कॉस ऑफ 2x न्यूमरेटर एज इट इज़, और ये डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2x। तो ये हो जाएगा हमारा y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को y कंसिडर करेंगे, इस फंक्शन को z कंसिडर करेंगे, और दोनों के डेरिवेटिव सेपरेटली विथ रिस्पेक्ट टू x हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इसके आगे ही लिखेंगे एंड z इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दोनों फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन है, और इन दोनों का डेरिवेटिव हम किस तरह निकालेंगे, तो बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इस तरह निकालेंगे इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव की तरह। तो यहाँ पे हमें इन दोनों के डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना होगा, इनवर्स फंक्शन के एग्जांपल की तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो इनवर्स फंक्शन में हम किस तरह करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है इनवर्स फंक्शन के लिए, तो ये जो इनवर्स टर्म के आगे जो ब्रैकेट होता है, तो इस ब्रैकेट को हमें यहाँ पे इस इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हमें साइन में कन्वर्ट करना होता है, तब हम यहाँ पे उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसी तरह हमें यहाँ पे सेकंड फंक्शन में भी कॉस इनवर्स दिखाई दे रहा है, यानी कि ये इनवर्स फंक्शन है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम इन दोनों ब्रैकेट को देखें, तो अगर इस ब्रैकेट को साइन में कन्वर्ट करना है और इस ब्रैकेट को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना होगा, दोनों के लिए एक ही सब्स्टिट्यूशन है, ये देखिए यहाँ पे पुट एक्स इक्वल टू टैन ऑफ थीटा। देखिए अगर हमने एक्स की जगह पे टैन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो ये ब्रैकेट क्या होगा,
टू टेन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ टू थीटा का। और उसी तरह से यहाँ पे अगर हमने एक्स की जगह पे टेन थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये फार्मूला बनेगा कॉस ऑफ टू थीटा का। तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों तरफ एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे टेन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूशन से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये बाद में सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू बनेगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे ये जो टैन है ये इस साइड में शिफ्ट होके हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू होगा साइन इनवर्स ऑफ टू टैन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टैन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, अब ये जो ब्रैकेट हमें दिखाई दे रहा है तो ये ब्रैकेट फार्मूला है किसका, साइन ऑफ टू थीटा का। तो हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू ये साइन इनवर्स एज इट इज़, और यहाँ पे इस ब्रैकेट की जगह पे लिखेंगे साइन ऑफ टू थीटा। अब जैसा कि हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या होती है प्रॉपर्टी, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इसकी वैल्यू होती है थीटा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा की वैल्यू हो जाएगी टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है टू थीटा है। तो इसकी वाई की वैल्यू हो जाएगी टू थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा वाई इक्वल टू टू इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये हो गया है सिंपल फॉर्म में। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव हमें मिला है डी वाई बाई डी एक्स। अब उसी तरह हम इधर भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जेड के वैल्यू में सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, जेड इक्वल टू यहाँ पे होगा कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में देखिए वन माइनस एक्स की जगह पे रखना है टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर था तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, कॉस ऑफ टू थीटा, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है कॉस ऑफ टू थीटा की है। तो हम यहाँ पे इसके जगह पे लिखेंगे कॉस ऑफ टू थीटा, तो हमें जेड इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ टू थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा जिसकी वैल्यू क्या होती है थीटा। तो हमें यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बाद मिलेगा टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे है टू थीटा, तो हमें जेड इक्वल टू मिलेगा टू थीटा। अब इसके बाद हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा जेड इक्वल टू टू इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसके बाद डेरिवेटिव निकाल लेंगे, जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे दोनों डेरिवेटिव मिल गए हैं, इसके बाद हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फार्मूला डी वाई बाय डी जेड का। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में, देखिए दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे नाउ कॉमा डी वाई बाय डी जेड इक्वल टू, फार्मूला क्या है डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स, यानी कि हमें वाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन जेड अगर निकालना हो तो फार्मूला होता है डी वाई बाई डी जेड जिसकी वैल्यू होती है ये। इसमें हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू है टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगे और हमें आंसर मिलेगा वन। तो इस तरह से हमें y इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन z यहाँ पे मिला है वन। तो इस तरह से इसका आंसर हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट टैन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर
विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन निकालना है। तो यहाँ पे ये दोनों इनवर्स फंक्शन है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की मेथड इस्तेमाल करनी होगी, सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लेट y इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन एंड z इक्वल टू ये सेकंड फंक्शन। अब इसके बाद हमें यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना है, तो क्या करना होगा, देखिए सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखिए टैन इनवर्स है, यानी कि इस ब्रैकेट को हमें यहाँ पे टैन में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे ये टर्म है साइन इनवर्स सेकंड फंक्शन में, तो यहाँ पे हमें इस ब्रैकेट को साइन में कन्वर्ट करना है। तो हमने अभी सेकंड एग्जांपल में देखा था यही फंक्शन था साइन इनवर्स का, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया था टैन, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा एक्स की जगह पे टैन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स की जगह पे क्या करना है, अगर हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे टैन ऑफ थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा, टू टैन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये फार्मूला बनेगा किसका, टैन ऑफ टू थीटा का। तो हम यहाँ पे इन दोनों फंक्शन में एक्स के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे टैन ऑफ थीटा, तो हम यहाँ पे कॉमन में लिख देंगे पुट एक्स इक्वल टू टैन ऑफ थीटा, और यहाँ इस सब्स्टिट्यूशन से ही हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगी यहाँ पे वैल्यू टैन इनवर्स ऑफ एक्स, थीटा इक्वल टू मिलेगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अब हम ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन दोनों फंक्शन में, तो देखते हैं पहले वाई की वैल्यू, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू ये tan इनवर्स एज इट इज़, फिर ब्रैकेट में 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा सब्स्टिट्यूशन के बाद, 2 tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ये फार्मूला है किसका, tan ऑफ 2 थीटा का, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे tan ऑफ 2 थीटा, हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा। अब इसके बाद हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पे टैन इनवर्स ऑफ टैन टू थीटा की वैल्यू मिलेगी 2 थीटा, ये हो जाएगी वाई की वैल्यू, वाई इक्वल टू बनेगा 2 थीटा। अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते थे, अब हम इसके बाद थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर कर दे तो हमें मिलेगा वाई इक्वल टू 2 टैन इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये सिंपल फॉर्म में है, इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट एज इट इज़, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया है डी वाई बाय डी एक्स। अब इसी तरह हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जेड की वैल्यू में भी हमें यहाँ पे एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है टैन ऑफ थीटा। तो देखिए यहाँ पे जेड इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है टैन थीटा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू टैन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ये वैल्यू किसकी है दोस्तों, साइन ऑफ 2 थीटा की है, हमने अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 2 थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है थीटा, तो हमें यहाँ पे जेड इक्वल टू मिलेगा 2 थीटा। अब इसके बाद हम थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा जेड इक्वल टू 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखते हैं डेरिवेटिव क्या बनता है, देखिए यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, और टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों डेरिवेटिव है हमारे पास, तो इसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डी वाई बाय डी जेड का, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे नाउ कॉमा डी वाई बाय डी जेड इक्वल टू
डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू, दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कैंसिलेशन अगर करें तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 1, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, कैंसिलेशन होने के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है 1। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखेंगे हम आज का लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स ऑफ 2x² - 1 विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x². तो ये है क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन को कंसिडर करेंगे y और सेकंड फंक्शन को कंसिडर करेंगे z। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x² - 1 एंड z इक्वल टू सेकंड फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x². ओके, तो यहाँ पे y और z कंसिडर करने के बाद हमें यहाँ पे देखना होगा इन दोनों का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालने के लिए क्या करना है। तो यहाँ पे ये दोनों ही इनवर्स फंक्शन है और इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करनी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये y के वैल्यू में जो ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या है 2x² - 1 है और हमें इस ब्रैकेट को cos में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अगर हम x के जगह पे साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 2sin²θ - 1, और जिसके लिए हमें यहाँ पे कोई भी फार्मूला अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x इक्वल टू cos थीटा सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 2cos²θ - 1, और 2cos²θ - 1 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है वैल्यू उसकी, cos ऑफ 2θ, यानी कि वो वैल्यू क्या हो जाएगी, cos ऑफ 2θ का फार्मूला हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पे cos ऑफ थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये हो गया फर्स्ट वैल्यू के लिए y के लिए। अब देखते हैं z के लिए हमें यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट क्या है, 2x² - 1 - x², ये ब्रैकेट है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, इस ब्रैकेट को साइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ पे साइन सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा, 2 × sin, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 - sin²θ, ये हो जाएगा cos 1 - sin²θ, ये हो जाएगा cos²θ, और इसका स्क्वायर रूट निकाले तो ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा, यानी कि हम यहाँ पे साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे cos थीटा अगर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे अगर हमने cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 2 × cos² - 1 - sin²θ। तो यहाँ पे 1 - sin²θ हो जाएगा cos²θ, और जिसका स्क्वायर रूट, सॉरी 1 - cos²θ, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी sin²θ, स्क्वायर रूट में sin²θ मिलेगा, जिसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें मिलेगा sin θ। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हो जाएगा 2 × cos θ × sin θ। तो हमें यहाँ पे सेकंड फंक्शन के लिए हम दो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं, दोनों में से कौन सा भी एक कर सकते हैं, साइन थीटा भी कर सकते हैं और कॉस थीटा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन के लिए एक ही वैल्यू कॉमन जो सब्स्टिट्यूट हो सकती है वही वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे 40x = cos ऑफ थीटा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दोनों के लिए कॉमन है ये वैल्यू। तो इस सब्स्टिट्यूशन से हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू एक्स की इन दोनों फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए वाई की वैल्यू को, वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ, देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, 2x² - 1, तो यहाँ पे क्या होगा 2cos²θ - 1, एक्स की जगह हमने कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किया है। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट बन रहा है 2cos²θ - 1, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, कॉस ऑफ 2θ की वैल्यू है, ये फार्मूला है कॉस ऑफ 2θ का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस ऑफ 2θ, यानी कि हमें यहाँ पे मिलेगा वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2θ। अब इसके बाद हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, y इक्वल टू मिलेगा 2θ, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा अगर हो तो उसकी वैल्यू होती है थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 2θ है, तो इसलिए हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2θ। अब इसके बाद हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ x, तो हमें यहाँ पे मिलेगा y इक्वल टू
टू इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये हो गई है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट वाई की वैल्यू। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें डेरिवेटिव मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, माइनस वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये है इसका डेरिवेटिव। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा माइनस टू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी तरह से हमें यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स भी निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेड के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स के जगह पे कॉस थीटा, तो देखिए यहाँ पे जेड इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे क्या था, टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे हो जाएगा टू कॉस थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे मिलेगा जेड इक्वल टू ये साइन इनवर्स एज इट इज़, फिर ब्रैकेट में देखिए ये टू कॉस थीटा भी एज इट इज़, अब स्क्वायर रूट में क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके लिए फार्मूला हम जानते हैं क्या होती है इसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू कहाँ से आई दोस्तों, हम फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी जानते हैं जो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वन। उसी फार्मूला से अगर हमने वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो आती है साइन स्क्वायर थीटा, और हम वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन थीटा, यानी कि जेड इक्वल टू बनेगा साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है दोस्तों, साइन ऑफ टू थीटा की वैल्यू है, यानी कि ये फार्मूला है किसका, साइन ऑफ टू थीटा का, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे साइन ऑफ टू थीटा, तो हमें मिलेगा जेड इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ टू थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू होती है थीटा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा जेड इक्वल टू टू थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव क्या मिलता है, देखिए जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, माइनस वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें मिलेगा फाइनल आंसर डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा माइनस टू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई है, और हमने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आखिरी फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे हमें निकालना है वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो हमें हमारे पास फार्मूला है नाउ कॉमा डी वाई बाई डी जेड इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स, तो ये होता है फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम यहाँ पे ये दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे और हमें आंसर मिलेगा वन। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल रहा है, वन। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पे क्या देखा है कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन किस तरह से निकालते हैं, इसके एग्जांपल हमने इस वीडियो में देखा है, तो हमने यहाँ पे चार ही एग्जांपल देखे हैं, तो आपके एग्जाम में भी अगर इस मेथड पे क्वेश्चन पूछा जाए तो इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।